कल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ, मुंह मानी फुटना चाहिए भाई, नहीं फुटेगा। तो अपनी वीडियो में उसने ये कहा कि यह अनुराग डोभाल एंड इसकी माँ की गाली दे करके ये जलाने से इसका ये भाई का शादी हो जाएगा। और आप पकड़े नहीं जाएंगे तो फिर ये वीडियो चेक करें आप। भाई छुपल मैंने वीडियो बनाई थी, अनुराग भाई का गोप्रो ऑन था, उसकी वजह से उन्होंने सो ही गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और विकास इज ऑलरेडी है। सुबह सुबह बेचारे सुबह सुबह नहा लिया, बहुत मस्त लगता है ना, बुरा सपना देखे ना सुबह सुबह। सॉरी सॉरी तुमको कहा पड़ा है, बेचारा अभी बॉडी से उठ गया, दिमाग अभी इसका सो ही रहा है, बोल रहा है मैं नहा करके आ गया हूँ। बट गाइस मम्मी अभी चाय देकर गई है एंड सैंडी को ना रस बहुत पसंद है तो वो वहाँ से देख रही है। हेलो मेरी बेबी गुड मॉर्निंग, हेलो सैंडी, ये लो चांदी, गुड मॉर्निंग। चांदी को ना रस बहुत पसंद है यार एक्चुअली में। एंड बताता हूँ यार, आज फाइनली उत्तराखंड में ना बारिश रुक चुकी है। इट वाज रेनिंग हियर इन उत्तराखंड सिंस लाइक 3-4 डेज। चेक दिस आउट, आज धूप आई गई। एंड मैं आपको बताता हूँ, दिस इज अ गुड इंडिकेशन बिकॉज हम लोगों को ना स्पीति राइड पे निकलना था। विकास ने सुबह उठ करके बोल रहा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने कहा जेटू ने तेरे एक सर्जरी मार दी, इतनी निकाल सीधा सीधा का टाइम भी है। गुड मॉर्निंग, और देखो हमने आज के जो खाने की शुरुआत कराई मीठा भात से कराई है, और तुम्हारी गाड़ी का नाम भी बसंती है। इसकी गाड़ी का नाम भी बसंती है। लाल मैं आपको बताता हूँ, मैंने नंगे पैर घूम रहा हूँ बिकॉज मेरी जो एक फेवरेट चप्पल थी ना वो किसी इंसान ने ना तोड़ दी सुबह सुबह। तो ठीक है मैं तुम्हारा आईफोन तोड़ देता हूँ, 100 रुपए दे दूंगा, है ना, इधर इधर थोड़ा या ठीक है ओके माफ कर दिया। ठीक है आप लोगों को बता दें, अभी बजे ने सुबह के 12 एंड मैं तो बहुत टायर्ड हो रखा था बिकॉज जयपुर से पहले भी मैं कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, अब जाकर के फुल पावर जान आ चुकी है बॉडी में। एंड आज का जो हमारा प्लान बन रहा है गाइस, वो हम लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश। 12 बजे के बाद खुलता है ना? हाँ 1 बजे के बाद, हरिद्वार भी 1 बजे के बाद, जब बाबू भैया जाते तभी खुलता है। आप लोगों को बताता हूँ, हम लोग 2 दिन उत्तराखंड है, आज और कल। आज मैं से लोकल उत्तराखंड घुमाने वाला हूँ एंड कल भी हम लोग घूमेंगे, और परसों से हमारी स्पीति की राइड शुरू होने वाली है। आई नो लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। एंड मैं आपको बताता हूँ, जो ये विंटर स्पीति की राइड हम लोग करने वाले हैं वो मैं सुपर बाइक पे करने वाला हूँ, विकास करने वाला है BMW पर। बहुत क्रेजी राइड होने वाली है। और ये मैं आसाम से लेके आया, ये आसाम से तिल पीठा बोलते हैं इसे, यही भाई ये नारियल का लड्डू है, नारियल का लड्डू, ये मैं आसाम से लेके आया। तुम आसाम से आ रहे थे ना, ये आसाम से लेके, खाओ एक बार, खा के देखो टेस्ट करके कैसा होता है। इस लड्डू की एक खासियत है, मीठा खाके मुझे ऐसे एसिडिटी थी, पर मैंने कल शाम 2 खाए और 2 से एसिडिटी नहीं हुई। इस लड्डू की खासियत। अब मैं क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आता हूँ आपके लिए, आप आसाम का जो सबसे अच्छा वो था ना शॉप वहाँ से लेके आता है। तो यार जूली को मैं थोड़ा सा पराठे दे रहा हूँ। मम्मी ना विकास से पूछी कि तू मलाई खाते ना भाई, दूध का सब चीज मेरे को बहुत पसंद है। बढ़िया बढ़िया, मेरी हानी ना कृष्ण भगवान जैसे, कृष्ण भगवान काले थे ना पापा, सांवले थे काले नहीं। मैं भी तो सांवला ही हूँ, तो विकास और मैं दूध पी पी के, विकास तो गोरा है भाई, क्या लगा दे तुम, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली ना, हाँ फेयर एंड लवली, कल मैंने इसके बैग से लगाई फेयर एंड लवली पकड़ी, बाय गॉड काट दूंगा मैं। तो यार मेरे को ना बहुत खुशी है जान करके कि मेरे साथ कोई और भी है जो मलाई खाता है। मैं तो विदाउट मलाई खा ही नहीं सकता भाई सुबह सुबह। और लुक एट जूली गाइस, पापा के साथ सुबह सुबह 1 किलो खाना तो खा ही लेता होगा। ये देखो ये खाता हमारा बच्चा, और बिल्कुल इतना धीरे सॉफ्टली रखता है। सो गाइस फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं एंड लेट मी जस्ट टेल यू, बहुत दिन हो गए थे मैंने मोटर व्लॉग नहीं करा था बिकॉज जब से मैंने थार खरीदी थी मैं ऑलमोस्ट थार ही चला रहा था। बट गाइस फाइनली आज हम लोग अपनी बाइक्स बाहर निकालने वाले हैं एंड आज लोग इसलिए भी ज्यादा खुश होंगे क्योंकि मैं अपनी BMW बाहर निकालने वाला हूं। जब से मैंने अभी BMW खरीदी थी ना मैंने इसे चलाया भी नहीं था, मुझे याद है इसकी पहली सर्विस हुई थी 1000 किलोमीटर्स पे, उसके बाद इसको टच भी नहीं करा एंड आज विकास चलाएगा हमारी BMW। मैंने फुली मॉडिफाइड करके रखी थी यार, इसमें ना ऑलमोस्ट एयर फिल्टर मॉडिफाइड है, सब कुछ मॉडिफाइड है, इवन इस पे वो भी लगे हैं, सैडल बैग के गार्ड्स भी लगे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यार, हम लोग जो स्पीति की राइड करने वाले हैं उस पे हम लोग दोनों बाइक्स लेके जाने वाले हैं, हमारी TNR भी जाने वाली है और हमारी BMW भी जाने वाली है। BMW विकास चलाने वाले हमारी पुलिस राइड पर एंड TNR की भी सर्विस हो गई थी। फिलहाल आज हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश एंड हरिद्वार बिकॉज मुझे ना स्पीति राइड के लिए बहुत सारा सामान खरीदना है, प्लस विकास को भी घुमाना है एंड एट द सेम टाइम मॉडिफिकेशन भी करानी है। फटाफट गाइस निकलते हैं एंड मोटो व्लॉग फाइनली। यार आज बहुत धमाकेदार राइड होने वाली है बिकॉज पहली बार BMW और इको एक साथ निकलेंगे। एंड मैं आपको बताता हूँ, मैं ना 4-व्हीलर चला के थोड़ा बोर हो गया था बिकॉज जान तो हमारी TNR में ही बसती है। एक्चुअली उत्तराखंड में आजकल बहुत बारिश हो रही है तो इस वजह से बाइक में थोड़ी बारिश की बूंदे हो रखी है, यानी थोड़ी गंदी हो रखी है। आते हैं, बाय बाय।
तो यार हम लोग निकल चुके घर से एंड एक्चुअली बहुत दिन बाद मैंने टेनार को निकाला है तो मैं थोड़ा सा खींच रहा हूँ उसे। एंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ, टेनार का जो क्रूज कंट्रोल है ना वो इतना बेस्ट है ना, मैं इसे 50 की स्पीड पे भी क्रूज कर रहा हूँ एंड इसका हैंडल ना बिल्कुल स्टेबल रहता है। हाई स्पीड में तो सुपर बाइक क्रूज कर लेती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है लो स्पीड पे क्रूज करना एंड लो स्पीड पे ना बिल्कुल स्टेबल होकर के चलती है। फिलहाल गाइस विकास भी आ गया है एंड आज पहली बार BMW रेको साथ में निकल रहे हैं। BMW भी बहुत मस्त बनती है यार। यार मैं आप लोगों को बताता हूँ, उत्तराखंड में ना पिछले 4-5 दिन से फुल पावर बारिश हो रही है एंड अब जा कर के यहाँ पर बारिश रुकी है। मसूरी में जो ना फुल लाइव स्नोफॉल हो रही थी एंड मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना अब तक रियल लाइफ में स्नोफॉल नहीं देखी है, तो विंटर स्पीति में ही शायद से सपना पूरा होगा मेरा। हम लोग कल डेली से जब उत्तराखंड एंटर हो रहे थे ना तो फुल ऑलमोस्ट 12 घंटे की बारिश हम लोगों ने झेली एंड एक टाइम पे ना थार पे यहाँ यहाँ तक के पानी तक घुसा दी थी हम लोगों ने, बिकॉज हाईवे पे ना वाटर क्लॉग हो रखा था। एंड धूप आना ना हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है, बिकॉज हमें एटलीस्ट 2 दिन तो चाहिए थे विदाउट धूप के, ताकि जहाँ भी हम लोग ट्रैवल करें वहाँ कीचड़ पीचड़ ना हो एंड रोड हम लोगों को एकदम क्लीन मिले। बिकॉज हम लोग जो स्पीति करने वाले वो मनाली के थ्रू होते हुए जाएंगे, हम लोग सोच रहे मनाली से शुरू करें शिमला आते हुए खत्म हो जाए या फिर शिमला से शुरू करें मनाली आते हुए खत्म हो जाए। कहाँ लेके आ रहा है कार वाला बाबू भैया, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के बता देना कि वे शुड बी स्टार्ट फ्रॉम आई गेस मनाली से, बहुत मजा आएगा। एंड जो पेड़ देख रहे हो ना, अब ये पेड़ ना हाथियों ने गिरा रखे हैं यहाँ पर। रात को यहाँ पर आपको सोलो ट्रैवल करना अलाउड नहीं है, लाइक जो पुलिस वाले होते हैं ना वो आपको ग्रुप ग्रुप में भेजते हैं ताकि जो हाथिया है वो ग्रुप ऑफ व्हीकल्स को देख करके डर जाए। एंड रात को आई वुड सजेस्ट कि अकेले ट्रैवल मत ही करना ऐसे, बिकॉज यार कहीं से भी जंगल से निकल के ना हाथी आ जाते हैं एंड बहुत सारे डेथ केसेस हुए यार यहाँ पर हाथियों से। यार हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश एंड अभी हम लोग जा रहे हैं राम झूला की तरफ। मैं ना विकास को ऑलमोस्ट उत्तराखंड के ऐसे मेन मेन लोकेशंस घुमा देना चाहता हूं एंड द बेस्ट थिंग इज ये सब ना मेरे घर के पास भी हैं। अच्छा आप क्या हाल है? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया, कैसे आप? बढ़िया। आ जाओ, 500 रुपए लगते लेकिन एक फोटो के नहीं लगते यार। शिट यार, मैं ना ब्लॉग में बोलना बंद कर दूंगा, लोगों को पता लग जाता है मजाक है। आपकी था ठीक है, मतलब कल हम लोग रिपेयर के लिए देंगे उसे। शुक्रिया यार, शुक्रिया। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके ऋषिकेश एंड मुझे ना पीछे भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, मेरा गोप्रो काम करा नहीं करा, आई डिड नो कि मेरे रिकॉर्ड करा है ना। एक्चुअली रेफ करते हुए आ रहा था लोगों को साइड हटाने के लिए एंड पुलिस वाले ने, भाई 2-स्टार पुलिस वाला था वो, सर बोल रहे थे कि धीरे चलाना, मैंने कहा ओके सर हम लोग धीरे ही चलाएंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे घर से ना ये वाली लोकेशन सारी पास पास है एंड लुक एट द पानी यार, कितना क्लीन हो रहा है भाई। उत्तराखंड में ना 3-4 दिन से पूरी बारिश हो रही थी, इस वजह से ना गंगा का पानी बिल्कुल क्लियर हो चुका है, राफ्टिंग भी हो रही है। मैं सोच रहा हूँ विकास को राफ्टिंग कराऊं, अगर इसका मन होगा तो कराएंगे फिर। एंड मेरा जो मेन फोकस है ना वो उत्तराखंड का कल्चर दिखाने का है, बिकॉज पहली बार ही कोई बाहर का ब्लॉगर उत्तराखंड में ट्रेडिशन दिखाने के लिए आ रखा है ना एंड मेरे को इतना मजा आता है ना इस पुल में घुमाने में, इतना मस्त लगता है ना इस पुल से अपनी सुपर बाइक को ले जाने में, बल्ले बल्ले। फिलहाल अभी पुलिस वाले ना रोके मैं, बिकॉज ऑलरेडी वो एक बार रोक चुके हैं भैंक पीछे मैं करा था ना, आपको पता ही है कितनी ज्यादा लाउड हो रखी है, इसका जो एग्जॉस्ट है ना वो अब बहुत लाउड हो गया भाई, पटाखे पटाखे और बम बम भी छोड़ने लग गया है। तो यार एक भाई एंड ये मेरे को ये वाला वीडियो दिखा रहे हैं मेरे, लाइक करो लाइक करो ये पहली बार हुआ मेरे साथ, लोग मेरे को यूट्यूब पे आके मेरा व्लॉग दिखाते हैं। एक्चुअली मैंने एक मीम बना के डाला था, मैं ना मिडिल क्लास बॉय गेट्स इनटू अ 5-स्टार वाला होटल, बोल दो क्या भाई बोला, सारी बिजी थी तुम हमारे व्लॉग में करा दो है ना। यार फाइनली वी आर इन ऋषिकेश एंड मैं इसको अभी राम झूला लक्ष्मण झूला घुमा रहा हूँ। बोला गाइस राम झूला एंड उस साइड से जा करके लक्ष्मण झूला आता है। ओ भाई ये जलाना से इसका, ये भाई का शादी हो जाएगा। शादी हो जाएगा, ब्रेकअप हुआ मेरा, समझ रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, तो यार ये देखो जो ये फर्जी नकली फोन लेके घूमते ना, दिखा दिखा कैमरा हैंग हो गया भाई, दुबई के फर्जी फोन कहा। But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought... So guys, तो यार अभी हम लोगों ने यहाँ पर घूमा, मस्त मस्त फोटोज रील्स बनाई हैं जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है। मेरा फेसबुक तो ऑलमोस्ट वेरीफाई होने वाला है, बट इंस्टाग्राम कब तक वेरीफाई होगा कुछ पता नहीं। तो यार ये गैंग मिली हम लोगों को यहाँ पर, ये ना स्टंट करते हैं यहाँ पर, क्या क्या कर ले तो भाई स्टंट तो बताओ का। बोल
रहा है मैं आपको एक टप्पा दूंगा भाई, दो दिन बाद मेरी ना राइड है ना। कोई बात नहीं भैया, मुंह नहीं फूटना चाहिए भाई, नहीं फूटेगा। आप सामने सुनाओ, यहाँ पे ना ऐसे करके बैठ जाओ। हाँ नहीं नहीं, मेरे को गुवाहाटी जाना है भाई। और नाना भैया हाँ ऐसे करके बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। तो यार अभी हम लोग एक ग्रुप से मिले थे यहाँ पर, जो डांस डांस और स्टंटिंग करता था। विकास ने मेरे को बोला जाओ जाकर के बैठ जा। मैंने कहा अगर मैं बैठ गया और उसकी टप्पी मेरे को लग गई तो दो दिन बाद हमारी स्पीति की राइड थी वो तो कैंसिल होनी होनी थी। भाई तुम्हारा संगठन है क्या, हम भी लगते हैं तुम्हारे साथ यार। ले लो। क्या ले लो? इसका ब्रेकअप हो गया तुमसे लेके। सो गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम हियर एंड अभी हम लोग जा रहे हैं लोकल मार्केट में टू गेट सम शॉपिंग। चलते हैं ऐसे फटाफट। यार कहानी है, हम लोग अभी हरिद्वार से जस्ट घर पहुंचे एंड मैं आपको बताता हूँ कल हम लोगों ने अपनी स्पीति राइड के लिए निकलना है एंड इट्स क्वाइट लेट। हम लोगों ने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस शॉपिंग में। एंड जो विंटर स्पीति होने वाली है ना, इट्स गोना बी द वन ऑफ द कोल्डेस्ट राइड। तो हम लोगों को ऐसे कपड़े चाहिए होंगे जो ये ठंड झेल सके। टेंशन नॉट, हमारे एक दोस्त है अभिषेक भाई, आप लोगों को पता होगा उनकी शॉप है मिलिट्री इक्विपमेंट करके। एंड जब भी हम ऐसे ठंडी ठंडी जगह जाते हैं ना तो मैं जितना भी सामान होता हूँ सब उनकी शॉप से लेता हूँ। तो मैंने अभी उन्हें कॉल करा था कि हमारे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उनकी शॉप पर। फिलहाल आज हम लोग थार लेकर के नहीं जा रहे, हम लोग बाइक्स पर जा रहे हैं बिकॉज हम लोगों को बाइक पे भी कुछ मॉडिफिकेशन करानी है। क्या पता हम लोग घर आकर के थार लेकर के जाएं, बट फिलहाल के लिए अभी हम लोग बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं। सो लेट्स गो। यार फाइनली वी हैव रीच्ड आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट। एंड जब भी आपको पता है कि कुछ ठंडी जगह पे हमारी राइड होती है ना तो हम लोग हमेशा से सामान उठाते हैं। फिलहाल बहुत बड़ा स्पेस कर लिया, मुझे लग रहा है लास्ट टाइम हमारे प्रमोशन कुछ ज्यादा तगड़े थे, इनका टर्न ओवर कुछ ज्यादा हो गया। एंड मीट अभिषेक गाइस, ही हैंडल्स एवरीथिंग एंड अब मिलिट्री इक्विपमेंट अमेजोन फ्लिपकार्ट। और तो अगर आपको कोई सा भी सामान चाहिए होगा एनीथिंग, एंड ट्रस्ट मी अगर आपने मेरे पिताजी को व्लॉग्स में देखा है ना, उनके पास ऊपर से नीचे का सारा सामान मिलिट्री इक्विपमेंट का ही है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी खरीदना होगा यू कैन फाइंड देम ऑनलाइन एंड बाकी आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और नंबर मिल जाएंगे। तो यार विकास को ना भी डफल बैग लेना है, मेरे पास टेल बैग है बट मेरे को लाइनर्स और इनर्स चाहिए बिकॉज मेरे को ना बहुत ज्यादा ठंड लगती है। एंड हम लोग बाइक के लिए रोप्स भी लेने वाले हैं बिकॉज पहले मैं सोच रहा था कि हम लोग मेटल चेन्स लेंगे बट देन आई हैड एन आइडिया कि मेटल चेन्स का वेट ही ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा हो जाएगा कि वी वोंट बी एबल टू ट्रैवल विद देम। तो हम लोग नायलॉन रोप ले रहे हैं एंड इन तीनों में से देखते हैं कौन सी उठाते हैं। तो यार वी हैव स्टार्टेड आवर शॉपिंग एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गेटिंग। हम लोगों ने बलक लावा पहन लिया बिकॉज मैं आप लोगों को बताता हूँ बहुत ज्यादा ठंडी होने वाली है स्पीति में। एंड जब आप बाहर निकलोगे ना तो फिर आइस फ्रॉस्ट होने का बहुत ज्यादा टेंशन है। डालिए थोड़ा सा ज्यादा टाइट हो रहा है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। एंड मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ जिनको ना राइड पे बहुत ज्यादा ही ठंड लगती है, तो मैं फुल प्रोटेक्शन करके जाऊंगा यार। अभी फिलहाल हमारी शॉपिंग शुरू हुई है तो दिखाते हैं हम लोग क्या क्या ले रहे हैं। सो गाइस आप लोगों को पता है हम लोगों ने विंटर स्पीति करनी है एंड एको में ना फिलहाल मैंने नई टायर्स डलवा ली है बट वी विल स्टिल बी नीडिंग सम रोप्स और ग्रिप टू होल्ड ऑन। तो हम लोग नायलॉन की रोप ट्राई करें एंड बेसिकली मैं अभी जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि हम लोग कौन सी रोप से मानेंगे बिकॉज मेरे को ना इसका डिस्क ब्रेक वाला सीन भी देखना है। अगर इसके डिस्क ब्रेक पे लगेगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यार बेसिकली हम लोग यही वाली रोप फाइनल कर रहे हैं बिकॉज ये वाली रोप ना ज्यादा मोटी भी नहीं है एंड इसे ग्रिप भी आराम से हो जाएगी। मेरे को 10 आर पे पता है टेंशन क्या है कि टायर्स ना बहुत सेंट्रिक हैं एंड अगर जरा सा भी वेट इधर उधर हुआ तो ये सीधा फिसलती भी जाएगी। एंड पिछला वाला टायर तो और भी ज्यादा मोटा है तो उसमें केवल इतनी मोटी रोप चाहिए जिससे हम लोग आराम से राइड कर सके। सो गाइस हम लोग ये वाली रोप फाइनल कर रहे हैं एंड देखते हैं इसकी कितना मेजरमेंट लेते हैं हम लोग। तो यार हम लोग आए थे शॉपिंग के लिए एंड चेक दिस आउट, व्हाट इज अप मिंटू भैया। I'm good. Guys, मिंटू भैया हमारे करता धरते हैं, इनसे हम लोग एडवाइसेस लेते रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए एंड जब तक ये हमें एडवाइसेस देते रहते हैं ना तब तक हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड अगर आप लोग को भी कुछ एडवाइसेस चाहिए होगी तो मिंटू भैया को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिंटू भैया अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो। मिंटू आईडी। तो यार अभिषेक ऑलवेज हेल्प्स आउट जब भी हम लोग किसी राइड पे जा रहे होते हैं एंड इस टाइम क्या क्या लिया अभिषेक हम लोगों ने? अभी ये डफल बैग है, ये रुकसैक है, जैकेट। तो मैं आपको बताता हूँ ये वो वाले नर्स हैं जो हम लोगों को कितना झेल लेते हैं माइनस में? -15 to -20 है ऑलमोस्ट। -15 to -20 स्पीति में और किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं गाइस एंड बोलने की बात नहीं है, चेक देम आउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिलहाल गाइस हम लोग सारा सामान ना बैग के अंदर रख रहे हैं एंड मैंने एक बहुत बड़ा वाला बैग भी ले लिया, ये मैं BMW के पीछे बांधने वाला हूँ। तो मैं फाइनली तैयार होकर के बैठा हूँ एंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ। आप लोगों को पता है जब मैं आपसे बाहर मिलता हूँ या फिर घर पे भी मिलता हूँ ना तो मैं बहुत अच्छे से ट्रीट करता हूँ आप लोगों को एंड मैंने कभी किसी को मना नहीं किया होगा। मैं जितना भी एग्जॉस्टेड रहा हूं या फिर मैं जितना भी परेशान रहा हूं ना बिकॉज मुझे पता है आप लोगों ने ही बनाया मुझे, तो कुछ भी हो जाए आई एम गोना बी ग्रेटफुल टू यू। बट कल जो इंसिडेंट हुआ ना मेरे साथ वो थोड़ा सा खतरनाक ही हो गया था। एक्चुअली क्या हुआ कि कल हम लोग विकास को लेकर के बाहर घूमने जा रहे थे एंड शाम के टाइम हम लोग जस्ट घर आ रहे थे, तो व्हाट हैपेंड रास्ते में हम लोग रुके थे तो कुछ फोटोज खिंचाने आए लोग एंड उन लोगों के साथ ना एक ग्रुप था
था एंड उस ग्रुप में से एक लड़का था, मैं नाम तो नहीं मेंशन करूंगा उसका, बट व्हाट हैपेंड, वो मेरे पास आया ऐसा फोन लेकर के, मुझे लग रहा था कि वो अपना व्लॉग शूट कर रहा है, तो मैंने उसे बहुत प्यार से ट्रीट करा, मैंने कहा हेलो भाई क्या हाल चाल है, मैं गोप्रो की क्लिप भी अटैच कर दूंगा आप लोग देख लेना, बट वो जब अपना वीडियो शूट कर रहा था ना, तो अपनी वीडियो में उसने कहा कि ये अनुराग डोभाल एंड इसकी माँ की गाली देकर के मेरे से हाथ मिलाया एंड फिर फोन ऐसे रखा एंड फिर मेरे को गाली दिया एंड मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ ना भव्या भी थी, मेरी बहन और भाई ट्रैवल कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग थे, तो मुझे लगा कि कैजुअल फोटो लेने आया होगा, बट शाम को जब हम लोग घर पहुंचे ना, तो एक वीडियो उड़ते हुए आया मेरे पास वो गाली वाला, मैं वो वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों साइड ऑफ द वीडियोस पता लगे कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो सीन ये बात है कि उस लड़के ने ये वीडियो ना जस्ट कूल बनने के लिए बना दिया था कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में कूल दिख जाऊंगा कि मैंने बाबू भैया की मम्मी को गाली दे दी एंड उस हीट ऑफ द मोमेंट में उसने वो वीडियो बना दिया। बट मैंने जब गोप्रो का फुटेज चेक करा ना, तो जिस फोन से उसने वो वीडियो बनाया था ना, वो उसका फोन नहीं था, वो उसके दोस्त का फोन था एंड आई गेस किसी ना किसी ने वो वीडियो लीक कर दिया। बट जब वो बंदा ये वीडियो बना रहा था ना, तो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो वीडियो मेरे तक पहुंच जाएगा एंड जब भी लोग ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ करते ना, तो उन्हें लगता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे एंड उसने भी यही सोच करके वीडियो बना दिया था कि भाई कूल दिख जाऊंगा अपने फ्रेंड सर्कल में, एकदम हाइप अप वाला सीन हो जाएगा। बट गाइस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सोशल मीडिया पे मेरी मम्मी को गाली देंगे या किसी की भी मम्मी को गाली देंगे, किसी की बहन को गाली देंगे और आप पकड़े नहीं जाएंगे, तो फिर ये वीडियो चेक करें आप। भाई कल मैंने वीडियो बनाई थी, अनुराग भाई का गोप्रो ऑन था, उसकी वजह से उन्होंने मेरे को देख लिया एंड मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मैंने उनकी मम्मी को गाली दी थी, सॉरी अपुल भाई आपको भी मैंने गाली दी एंड आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो यार ऑल आई वांटेड टू से कि अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो या फिर अगर आप मेरे भाई के रैप सुनते हो एंड अगर आपको वो पसंद नहीं है ना, तो आप मेरे को गाली लिख के जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बीइंग अ क्रिएटर मैं सबको झेल लूंगा, मेरे भाई को भी हजार गालियां पड़ती हैं यार, बिकॉज ही इज एन आर्टिस्ट एंड आई एम एन आर्टिस्ट, तो चलता है। बट अगर तुम मेरी मम्मी को गाली दोगे ना एंड वो भी मेरे सामने छुप छुप करके एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बच जाओगे, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो, बिकॉज जितने भी लोग शायद मेरे से मिले ना, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, यू नो गाइस मेरे घर वालों ने नहीं सिखाया कि किसी की मम्मी को गाली देना या किसी की बहन को गाली देना एंड एक चीज का बुरा मुझे लगता कि जब भी मैं आप लोगों से मिलता हूं ना, तो आई ट्रीट यू एज अ फैमिली एंड ऑनेस्टली बहुत सारे लोग ना एकदम परिवार की तरह ट्रीट करते हैं मेरे को, मेरे से लोग पैसे भी नहीं लेते, बट कुछ लोग होते हैं ना जो सोशल मीडिया पे ऐसे कूल बनने के लिए कर देते हैं, तो मुझे बुरा ये लगता है कि मेरे घर वालों ने क्या बिगाड़ा, मेरे माँ बाप ना केवल इंटरटेनमेंट करने आते हैं आप लोगों का एंड उनको ना बहुत खुशी होती है जब आपके कॉमेंट्स पढ़ते हैं, तो मुझे बहुत बुरा सा लगा एंड आपको पता है कि मैं ना इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सकता था इस चीज में, तो आपके बाबू भैया के छोटे भाई हैं कलम इंक, उन्होंने मैटर अपने हाथों में लिया एंड उस बंदे को पकड़ लिया कि वो कौन था, मैं नाम और आईडी मेंशन नहीं कर, बिकॉज मुझे पता है आप लोग उसका जीना आराम कर दोगे। अभी मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, तो स्पैम हो रहा है कि बाबू भैया आईडी दे दो, नंबर दे दो, प्लीज यार अगर आपको पब्लिक में भी मिले तो ऐसा कुछ मत करना। मैंने जैसे भी इंस्टा स्टोरी अपलोड करी एंड ऑलरेडी बहुत सारे लोग गाली दे रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार प्लीज गाली गुली मत देना, देखो इतना मतलब मेहनत करके वीडियो बनाता है, कंटेंट बनाता है, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक दो, क्या पसंद नहीं आया कमेंट करके बोलो, अरे गाली भी दो, मेरे को भी गाली दो चलेगा, गाली दो इसको भी गाली दो, लेकिन घर का आदमी को गाली देना, माँ बहन को लेके गाली देना, ये कहां का वो है, हमारा ना कोई हेटर नहीं होता, बट ये वो लोग होते हैं जो सामने आएंगे फोटो भी खिंचाएंगे, बिग फैन भी बोलेंगे, फिर जाके कमेंट में गाली भी देंगे और फिर जाके कमेंट में गाली भी देंगे और फिर माँ बाप को भी गाली देंगे। और मैं आपको सही बता रहा हूँ यार, मेरा ना कोई भी टॉक्सिक फैन बेस नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे से हेट करेगा, क्योंकि मेरे से क्या ही हेट कर ले, मेरे से ना कई गुना अच्छे लोग मार्केट में एंड मैं जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो ना, मेरे से लाख गुना अच्छे हो तुम लोग, मैं बस अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं अपने घर वाले शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जस्ट लेसन की इस बात को थोड़ा सीरियसली लेना एंड यू शुड रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैं बाहर सब लोगों से मिलता हूँ ना, ऐसा ना हो कि यार इन सब टॉक्सिसिटी के कारण ना मैं लोगों से मिलना बंद कर दूं। भाई जिसने गाली दी है उसने ठीक तो नहीं किया है, बट जब मैं अपने बच्चों के, मेरे पास भी जब छोटे बच्चे आते हैं कि सर इसने गाली दी, इसने गाली दी, तो पता मैं उन्हें क्या समझाता हूँ, मैं उन्हें समझाता हूँ कि इसने गाली दी है तो तुमने तो नहीं दी ना, इसने गाली दी है तो इसके फैमिली का कल्चर ऐसा है, वहां लोगों ने ऐसा सीखा है, तो जो गाली दे रहा है उसका फैमिली का कल्चर ऐसा होगा, वैसा ही होगा, और जैसा घर में सीखता हो वैसे ही वो आउटपुट भी करेगा। जिसने भी बेटा ये गलत बात बोली है, कुछ दिनों पहले मैं और तुम्हारी मम्मी बाहर खड़े थे, तब भी 3-4 बच्चे यहां से चिल्लाते हुए गए थे और वो गलत तरीके से चिल्ला रहे थे, ये हमें पता है, तो ऐसा न करें, मेरी यही रिक्वेस्ट है आप ऐसा न करें। और बाकी फिर मैं भी हूँ ही।